हैं। उज्जैन कलेक्टर ने जिला अस्पताल का आकस्मिक दौरा किया है। इस दौरान काम में गैर हाजिर मिलने पर एक महिला चिकित्सक को कलेक्टर ने निलंबित किया है। लापरवाही पर दो डॉक्टरों, तीन कर्मचारियों को वेतन काटने के निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है जिला अस्पताल में लगातार लापरवाही की शिकायतें मिल रही थी। मेरे को ना 3 महीने हो गए दवाई नहीं मिल रही है इधर, और है ना वो दवाई नहीं खाऊंगी तो मैं एकदम ही हो जाती हूँ। क्या बीमारी आपको? मेरे को झटके की शिकायत है सर, वो ना मेरे को टाइम से टाइम लेना पड़ती है, ना नहीं मिलती तो फिर बाजार से लाना पड़ती है। बाजार से आती है 200-250 रुपए की दवाई, ना तो ये मेरा कितने ही साल हो गए पर्चियों ने सब नहीं किए। देखिए आज जिला अस्पताल का मेरे द्वारा दौरा किया गया और यहाँ पर कुछ कमियाँ पाई गई जिनको सुधारने के प्रयास आगे किए जाएंगे। पहला तो जो सामान्य ओपीडी है उसमें कुछ इंटर्न्स भी बैठते हैं, इंटर्न्स बैठने चाहिए लेकिन उनके द्वारा किसी तरीके का प्रिस्क्रिप्शन जो संबंधित मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे बिना पूछे हुए नहीं लिखा जाना चाहिए, वो चीज़ आज से बंद होगी और केवल और केवल मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा ही प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। पूरे अस्पताल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब होगी, रजिस्टर से बिल्कुल भी अटेंडेंस नहीं ली जाएगी। इसी सप्ताह अगले 7 दिनों में इसको चालू करने के निर्देश सिविल सर्जन को दिए गए हैं। जी हाँ, 3 महीने से बताया गया कि वहाँ पर दवाई उसको नहीं मिली है और बाजार से उसको खरीद कर लेनी पड़ रही है। जो कंप्यूटर में मेरे द्वारा देखा गया कि इंडेंट प्लेस हुआ है लेकिन इंडेंट थोड़ा लेट प्लेस हुआ है, मार्च में प्लेस हुआ है जबकि उसको दिसंबर में ही प्लेस हो जाना चाहिए था। इसलिए जो संबंधित 3 इंचार्ज हैं, जो स्टोर के इंचार्ज हैं, जो वेयरहाउस के इंचार्ज हैं और जो संबंधित ऑर्डर देने के इंचार्ज हैं, उन तीनों का भी 7-7 दिनों का तनख्वाह काटने का निर्देश दिए गए हैं। सागर